चार माँ हो गए, जिससे भी उधार मांगते हैं वो कहते हैं बाबा आप सफेद दाढ़ी रख के आप झूठ बोलते हो। हर बंदा चौकीदार से लेकर सदर तक हमारे टैक्स से चल रहा, हमें इसके बदले क्या दे रहा है? एमएस साहब कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं आ रहा, कंपनी वाले कहते हैं कि हमारे पास चेक नहीं आ रहे, तो हमारे लिए यहाँ किस मुसीबत के लिए हमें खड़ा किया? वजीर आला हमें साफ चाहिए ना, उस प्रोटोकॉल दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, बंगला दे रहे हैं, जादू का टिकट दे रहे हैं, हमें क्या दे रही है? साहब हम क्या दे रहे हैं इनको? ये ख्वाब है, ये खुद कैसी नहीं करेंगे, ये क्या नहीं करेंगे? हम जब जाएंगे इनको बता कर जाएंगे, ऐसे जवान भी आते हैं टेंडर के काबिल नहीं है, टेंडर भरा है तनखाएं नहीं पे पड़ करते, ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करते? जी मुल्तान निश्तर अस्पताल के जो गार्ड हैं वो आज निश्तर अस्पताल के बाहर सरापा एहतजाज हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही जिसकी वजह से इनके जो घर के चूल्हे हैं वो अब बंद होकर रह गए हैं, खुदकशी करने पे आ गए हैं। इनसे जानते हैं सर कितने माह हो गए हैं आपको तनख्वाह नहीं दी जा रही है और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही, हर दफ़ा झूठ पर झूठ बोला जाता है, सवार को देंगे सवार में मंगल आ जाता है, मंगल देंगे बुध और जो मेरा अगला हफ्ता आ जाता है, हफ्ते के बाद इतवार छुट्टी आ जाती है, फिर नया हफ्ता शुरू हो जाता है। अभी इतना झूठ बोल बोल के हमारा तमाद उठ गया, इस कंपनी से भी उठ गया, इस निश्चर से भी उठ गया, हर अफसर से उठ गया, और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये पागल हैं, इनसे ड्यूटियाँ लेते रहो, इनको कहानियाँ सुनाते रहो, इनको इधर ले जाओ, इनको इधर ले जाओ। अगर GB कंपनी इस काबिल नहीं है, इस टेंडर के काबिल नहीं है, इस टेंडर भरा तनख्वाहें नहीं पेमेंट करते, इसको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करते? ब्लैक लिस्ट करें, हमें सिक्योरिटी इनकी जमा करें, हमें तनख्वाहें दें। 4 माह हो गए हैं, आप गुजारा कैसे कर रहे हैं, किस तरह इतने महंगाई के दौर में? वजीर आला को कुछ आप क्या कहेंगे? वजीर आला साहब को ये करेंगे कि अगर आप फंड नहीं भेज रही हैं, सुबह पंजाब पे कर रहा है और आप निश्चर को पे कर रही हैं, आपने फंड 4-6 महीने 7 महीने को 10 चक्र रुके, आपने फंड नहीं भेजा तो हमें इतला दे, हम मांगते नहीं तनख्वाह, चले जाते हैं, हमने जितनी इतनी बर्दाश्त किया ये तनख्वाह भी छोड़ जाएंगे, मगर जब सुबह पे कर रहा है ये क्यों नहीं दे रहे? सुबह जब पे कर रहा है ये क्यों नहीं दे रहे? तो टैक्स हमारे से तनख्वाह ले रहा, हर बंदा चौकीदार से लेकर सदर तक हमारे टैक्स से चल रहा है, हमें इसके बदले क्या दे रहा है? वजीर आला हमें साफ चाहिए ना, उस प्रोटोकॉल दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, बंगला दे रहे हैं, जादू का टिकट दे रहे हैं, हमें क्या दे रही है? वजीर आजम साहब हमें क्या दे रहे हैं? हमें सिर्फ एक इंसाफ है, इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे? खुदकशी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इनको ये ख्वाब है, ये खुदकशी नहीं करेंगे, ये क्या नहीं करेंगे? हम जब जाएंगे इनको बता कर जाएंगे, ऐसे जवान भी आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे गार्ड भी हैं जो सिर्फ वाहिद कफील है जो घर का सारा सर्कट चला रहे हैं, एक गार्ड की जो तनख्वाह होती है वो उसी तनख्वाह के ऊपर घर चल रहा होता है, ऐसे ही है। तो क्या कहेंगे आप? सर मेरे 6 बच्चे माशाल्लाह, और 6 बच्चे माशाल्लाह छोटे, कोई कमाने वाला नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं दिल का मरीज हूँ, ठीक है, तो मैं बिल के बिजली कहाँ से बिल भरूँ, और मैं गैस का बिल कहाँ से भरूँ, राशन बच्चों कहाँ से? 4 माह हो गए, जिससे भी उधार मांगते हैं वो कहते हैं बाबा आप सफेद दाढ़ी रख के आप झूठ बोलते हो, ठीक है, आपको शर्म नहीं आती, पैसे मांग रहे हो और फिर दो माह के लिए आप कहते हो कि हमें तनख्वाह नहीं मिली। हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, आप जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ के जिम्मेदार हैं, लेकिन मेहरबानी क्या करें कि वज़ीर आज़म से हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अगर फ़ंड नहीं दे रही तो इनको फ़ंड दें। ये MS साहब कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं आ रहा, कंपनी वाले कहते हैं कि हमारे पास चेक नहीं आ रहे, तो हमारे लिए यहाँ किस मुसीबत के लिए हमें खड़ा किया? हमें हटा दें, हमारे लिए अभी हमें पे करें, हम वर्दी उतारने के लिए मुकम्मल तैयार है, हम कोई बंदा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि हम सफारत करा के फिर लेंगे, नहीं, हम आज ही अभी फारिग करें। लेकिन रिक्वेस्ट है हमारी अभी MS साहब से भी और VC साहब से भी, हमारी तनख्वाह का मुतालबा हमें पूरा किया जाए, लेकिन हम इस तरह नहीं जाएंगे, हमारा जब तक मुतालबा पूरा नहीं होगा हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल यहाँ मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। बिल्कुल, इनका मुतालबा है कि जब तक तनख्वाह के देने के हवाले से आगाह नहीं किया जाएगा कि तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी, तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे और बगैर हक लिए हम घर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारे चूल्हे जो हैं जलना बंद हो गए हैं, बच्चे जो हैं जो भूख से बिलक रहे हैं, इसलिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये हमें जो तनख्वाहें जो हैं वो टाइम पर दी जाएँ ताकि हम अपने बच्चों का राशन पूरा कर सकें और घर के जितने भी अखराजात हैं वो पूरा कर सकें। जी।